हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करवाना व अपने नजदीकी का वैक्सीनेशन केंद्र चुनना मुश्किल हो रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्रों पर जितनी तय सीमा रखी गई है वह चंद मिनटों में भर जाती है। लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर मात्र 100 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखा गया है, जिसके लिए पंजीकरण चंद मिनटों में बंद हो जाता है। लोग पंजीकरण करवाने में अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। जो वैक्सीनेशन करवाने में कामयाब हो जाते हैं वो भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन सिस्टम की खामी के चलते हिमाचल प्रदेश सहित जिला सोलन में कछुओं की गति से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। या तो सरकार प्रशासन आम जनता को बेवकूफ समझती है, या फिर व्यवस्था बनाने वालों को व्यवस्थित बनाने का पता नहीं लग रहा। इस बार सोलन के युवाओं ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करवाने सहित अपने नजदीकी का केंद्र चुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चंद मिनटों में साइट बंद हो जाती है। वहीं राज्य के अनेकों जिलों के केंद्र मिलते हैं जहाँ तक जाना असंभव है। निश्चित तौर पर यदि प्रदेश सरकार को सही मायने में अपने लोगों की चिंता है तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, वरना अभी तक व्यवस्थाओं को देखने पर तो ये वैक्सीनेशन अभियान सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन में एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो लॉग आउट हो जाता है। जितने में आप स्लॉट कोई बुक करने चाहते हो तो वो कैप्चा वैप्चा जब तक एंटर करते हो वो लॉग आउट हो जाता है। उसकी टाइमिंग है वो 6-7 मिनट पहले ही आपको लॉग इन करना है। तो अगर कोई आधे घंटे पहले से लॉग इन करके बैठा है और वो ट्राई करता है बुक करने का तो वो उतने में लॉग आउट हो जाता है और वो स्लॉट चले जाता है। तो मतलब ये फास्टर फिंगर फर्स्ट टाइप का है कि जिसको मिल गया उसका हो गया। और बहुत दूर दूर की लोकेशंस भी दिखाई दे रही है इसमें, जैसे यहाँ से कुछ लोगों को शिमला या कोई दूर दूर, मतलब यहाँ लोकल, जैसे हमारे लिए सोलन हमें मिल गया लकीली, बट बाकी जितने भी लोकेशन थे वो काफ़ी दूर दूर की थी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए जाना। हाँ जी, होना चाहिए अब, क्योंकि आप जो पिन वाइज आप जो सर्च कर रहे हो आपको वो आसपास की लोकेशन दिखानी चाहिए ताकि सब जा सके इजीली, क्योंकि सबके पास आज के टाइम में कार्स नहीं होती और सब इतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और वैक्सीन की वजह से अब इतना दूर ट्रैवल आना जाना, कई लोगों को फीवर भी आ रहा है, ये सब तो काफ़ी परेशानी लोग फेस करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए आया था मैं आज, तो आज मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम मैंने इसमें किया था, ट्राई किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्लॉट्स वगैरह बहुत कम है तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आए, नो डाउट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन के स्लॉट्स कम है और लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा है, बेसिकली आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दैट्स वाई। और मोर ओवर जो आपके पास टाइम मिलता है, विंडो मिलती है, वो विंडो बहुत ही कम है आपके पास। ने सही टाइम में स्लॉट बुक कर लिया तो उसको स्लॉट मिल जाएगा, अदरवाइज़ सारा किस्मत के ऊपर है बाकी। वो तो ऑब्वियस वाली बात है कि थोड़े बहुत स्लॉट्स अगर थोड़े बहुत और ज़्यादा अगर आपके स्लॉट्स होते हैं और आपके ओपन होते हैं स्लॉट्स, तो डेफिनेटली उससे आपको ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के स्लॉट्स वगैरह मिल जाएंगे। वैक्सीनेशन तो नॉर्मल है, मतलब लगवानी चाहिए सबको, पर यही है कि मतलब रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मतलब जो सेंटर्स है वो एकदम ही फुल हो जा रहे हैं, अगर लॉग आउट हो गया तो नहीं हो पा रहा है। मेरा भी सेकेंड टाइम में हुआ है। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में अगर जिसके पास व्हीकल नहीं है वो कैसे आएगा इतना दूर, अगर जैसे मैं अभी नौणी से आया हूँ तो अपनी व्हीकल में आया हूँ। रजिस्ट्रेशन रश काफ़ी है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें तो आसानी से हो गया था, लेकिन मतलब जैसे थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ेगा इसके बाद भी। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।